दोस्तों टाटा मोटर्स अपनी फ्लैगशिप एसयूवी हैरियर से पर्दा उठा चुकी है, जिसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 15,49,000 रुपए है। दोस्तों कंपनी के मुताबिक ये इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है, जिसे बाद में बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों नई सफारी की तर्ज पर हैरियर फेसलिफ्ट को भी एक्सटीरियर और इंटीरियर में बड़े बदलाव देने के साथ नए फीचर से लोड किया गया है और इसे आप 25,000 रुपए का टोकन देकर बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके सभी वेरिएंट्स की कीमतें सामने आ गई है। दोस्तों इस एसयूवी में 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन लगा है, जिसे मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। तो चलिए आपको इन सभी की कीमतें दिखाते हैं। दोस्तों ये 15,49,000 रुपए से शुरू होती है और 26,44,000 रुपए तक जाती है। तो दोस्तों इसके सभी वेरिएंट की कीमत आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों टाटा हैरियर के फेस में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जहां नई ग्रिल और दो हिस्सों में बटर हैंडलैम्प्स डिजाइन मिलता है। दोस्तों ये पूरी तरह एलईडी लाइट से लैस है और अगले हिस्से को घेरता एलईडी लाइट बार भी यहां मिलता है। दोस्तों अगला बम्पर भी दो हिस्सों में बटा है, जो ग्लॉस ब्लैक पैंट के साथ आता है। दोस्तों नई 18 और 19 इंच के अलॉय व्हील्स इसे अच्छा लुक दे रहे, जो सिर्फ डार्क वेरिएंट में मिले हैं। दोस्तों इंटीरियर को बड़े पैमाने पर बदला गया है, जिसमें पूरी तरह लगा हुआ डैशबोर्ड अब ग्लॉस ब्लैक सरफेस में आया है। दोस्तों एसयूवी के डैशबोर्ड पर भी एलईडी एम्बिएंट लाइटिंग की पतली पट्टियां मिलती हैं। दोस्तों नई टाटा हैरियर के साथ 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई ड्राइवर सेलेक्टर रोटरी नो वाले ड्राइवर सेलेक्टर के साथ डिजिटल डिस्प्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10 स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम, रियर विंडो सेट्स, 360 डिग्री कैमरा और पनारोमिक सनरूफ जैसे कई फीचर्स मिले हैं। दोस्तों सेफ्टी की बात करें तो सस्ते वेरिएंट में 6 और महंगे में 7 एयरबैग्स, ADAS, हिल होल्ड कंट्रोल, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट और रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिले हैं। दोस्तों ये भी बता दें कि नई हैरियर को ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी में पूरी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। दोस्तों टाटा मोटर्स ने हैरियर फेसलिफ्ट के साथ पहले जैसा 2.0 लीटर डीजल इंजन दिया है, जो 170 HP की ताकत और 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। दोस्तों ये 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस है। दोस्तों ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को सिर्फ एडवेंचर प्लस वेरिएंट के साथ उपलब्ध कराया गया है और यहाँ 3 टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स मिले हैं, जिसमें नॉर्मल, रफ और वेट शामिल है। दोस्तों इसके साथ 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी और स्पोर्ट्स भी मिले हैं। दोस्तों बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए एसयूवी के सस्पेंशन को भी बेहतर बनाया गया है और इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 700, ह्यूंडई क्रेटा और MG हेक्टर के साथ जीप कंपस से शुरू हो गया है। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को अभी वो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ।